भजन की आवाज कहाँ से आ रही? हाँ, संपूर्णा के संगीत के शिक्षक आ गए होंगे। गोपाल, तूने मुझे पहचाना नहीं? तेरी माँ हूँ, पुनर्जन्म हुआ है मेरा। ये लड़की घर के अंदर कैसे आई बोनिता? माँ जैसे कपड़े, माँ जैसे गहने पहने इसने कैसे? कैसे बोनिता? मुझे नहीं पता पति बाबू, मैं तो खुद हैरान हूँ इसे यहाँ देखकर। शक्ति, पूजा रोको, लाओ इसे। अब ये बताओ तुम घर के अंदर घुसी कैसे? और अगर आई तो मंदिर में कैसे आई? हम लाए हैं इसे यहाँ। काका आप क्यों? काका, मैंने आपसे कहा था ना, इस पाखंडी लड़की की बातों पर विश्वास मत कीजिएगा, झूठ कह रही है। हम सब जानते हैं कोई पुनर्जन्म उनर्जन्म नहीं होता काका, झूठी है ये लड़की। झूठी नहीं है ये लड़की। क्या अनिरुद्ध, ये जानती है कि बहुत साल पहले हमारे रसोई घर में दो दरवाजे हुआ करते थे? अच्छा, तो क्योंकि ये जानती है कि हमारे रसोई घर में दो दरवाजे हुआ करते थे तो ये मेरी माँ बन गई। इसका कोई तीर तुक्का भी तो हो सकता है ना? हाँ, हो सकता। फिर तुम ही हो बैरिस्टर? हम तो एकदम अनाड़ी हैं, हमने तो जैसे दुनिया देखी नहीं। अरे, हमने उसे यहाँ बुलाने से पहले उससे सवाल जवाब किए, तरह तरह के प्रश्न पूछे, उससे पूछा कि किस तरह से मौत हुई, कब, किस समय, किस जगह, कहा। और अनिरुद्ध, तुम मानो या ना मानो, लेकिन इसने सारे प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए। इसने हमें बताया कि जानो ना लोचंदा, वो व्रत वाला दिन जिस दिन मैंने व्रत रखा था और अपने बच्चों के लिए खीर बनाई थी मैंने। आज भी भूल नहीं सकते हम अनिरुद्ध, वो दिन जब तुम्हारी माँ खीर के साथ ये रक्षा सूत्र जो काली माँ के मंदिर में मिलता है वो लेकर आई थी तुम तीनों भाइयों को पहनाने के लिए। काली माँ का चमत्कार देखो, फिर से काली माँ के आशीर्वाद से भरा हुआ रक्षा सूत्र शुभ्रा बहन और बोंदिता बहू की बदौलत तुम तक पहुंच गया अनिरुद्ध। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि यही लड़की तुम्हारी माँ का पुनर्जन्म है? नहीं काका, नहीं नहीं, मैं नहीं मानता काका, ना मैं मानता हूं ना मैं किसी को मानने दूंगा, क्योंकि ये सही नहीं है।
सही तो हमें भी नहीं लगा था जब तुम एक विधवा को हमारे मंदिर जैसे घर में लेके आ गए। उसे सब जगह घूमने दिया, यूं ही। बिना उसको विधवा रस्म कराए जैसे कुछ हुआ ही ना। काका, लेकिन उस वक्त हम अपने गुस्से को घोंट के पी गए, और अब बार बार हम तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमें शत प्रतिशत विश्वास है कि ये लड़की तुम्हारी माँ शुभ्रा का पुनर्जन्म है। लेकिन काका ससुर जी, ये लड़की। बहू, इस तरह ये लड़की कहकर संबोधित मत करो इन्हें। अरे, तुम्हारे पति बाबू की माँ है, तुम्हारी सास। इन्हें सम्मान से शुभ्रा माँ कहो। बिल्कुल नहीं बोंदिता, इस लड़की को माँ के नाम से पुकारने की कोई जरूरत नहीं। बोंदिता, बात चाहे बड़े ही क्यों ना कह रहे हो, अगर गलत हो तो नहीं माननी चाहिए, समझी? ये क्या हम इसे पिला रही हो? अरे, गलत बात तुम्हारे पति बाबू कर रहे हैं, हम नहीं। मैंने क्या गलत कहा काका? तो हमने क्या गलत कहा बाबू? बताओ बताओ। कह दो अपने पति बाबू से, बहुत बड़ा बैरिस्टर है ना, तो ले ले परीक्षा। अरे, पूछ ले सवाल, जांच ले, कर ले तसल्ली अपनी, बस झूठी जिद ना पकड़ के बैठे, क्योंकि ये बात हम मानने वाले नहीं हैं। बताओ बताओ अपने पति बाबू को। पति बाबू, काका ससुर जी ने कहा। सुना मैंने क्या कहा तुम्हारे काका ससुर जी ने? लेकिन तुम मेरे काका से कह दो कि ये लड़की झूठी है, मैं गलत नहीं हूं। सुना हमने, हम भी अभी बहरे नहीं हुए हैं। पूछो पूछो इससे बहू, क्या करना चाहता है ये? पति बाबू, काका ससुर जी, पति बाबू ने कहा है तिजोरी की चाबी दे दीजिए। क्या, क्यों? क्या ये जानता नहीं कि तिजोरी की चाबी हम किसी के हाथ में नहीं देते, सिवाय जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी, चाबी हम हमेशा अपने पास रखते हैं। पूछो इसे क्यों चाहिए। सुना सुना बोंदिता, काका ने क्या कहा? काका ने कहा कि तिजोरी उनके अलावा और कोई नहीं खोल सकता था, अगर कोई था तो वो सिर्फ माँ थी, सिर्फ माँ। यही कहा ना काका ने? अरे, ये तो हमने कहा, हमें ही क्यों बता रहे हो? कहना क्या चाहते हो? क्या दलीलें खत्म हो गई तुम्हारी? काका, दलीलें पेश करने की जरूरत ही नहीं बची। अभी आपने खुद कहा तिजोरी आपके अलावा और कोई नहीं खोल सकता सिवाय मां के। और इतने सालों से ना तिजोरी बदली है ना तिजोरी की चाबी, तो अगर आप जानते हैं कि सही चाबी कौन सी है, तो आपके अलावा ये सच सिर्फ एक इंसान जानता था, और वो थी मां। मां मां, और सब पहले जैसा ही है, तो परीक्षा ये है कि शुभ्रा मां, मतलब इस लड़की को आपकी चाबी के गुच्छे से सही चाबी ढूंढकर तिजोरी खोलनी होगी।
अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें विश्वास है। शुभ्रा बहन एक पल में आंख बंद करके खोल देगी तिजोरी। ये लो बहू, दे दो। और मुझे पूरा विश्वास है ये तिजोरी नहीं खुल पाएगी। और तिजोरी बिना खुले ही पता लग जाएगा कि चोर कौन। मुझे ये सब कुछ याद है, पर ये बात तो उन्होंने बताई नहीं थी मुझे। अब क्या करूं मैं? तिजोरी की चाबी वाली बात बताना तो मैं इसे भूल ही गया। अब ये लड़की क्या करेगी, कहीं पूरा खेल ही ना बिगाड़ दे। दे दो बोंदिता चाबी इस लड़की को। अरे घबराओ मत, चाबी लो और बताओ सही चाबी कौन सी है। बस लो लो। शुभ्रा बहन, काका काका साबित नहीं हुआ है अभी तक। चाबी ले लो लड़की। अभी तक ये भी साबित नहीं हुआ है अनिरुद्ध कि ये तुम्हारी माँ का पुनर्जन्म नहीं है। तब भी चाबी तो लेनी पड़ेगी ना। अगर मैं हार गई ये परीक्षा तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे वो। अब क्या करूं मैं? कैसे जानूं कौन सी चाबी है तिजोरी की? जब तुम उस हवेली में जाओगी सैकड़ों प्रश्न पूछे जाएंगे तुमसे, सैकड़ों परीक्षाएं ली जाएंगी तुम्हारी। कुछ के उत्तर तुम्हारे पास होंगे, कुछ के नहीं होंगे। पर तुम घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि हमेशा मैं वहां रहूंगा तुम्हारी मदद के लिए। हाँ, लेकिन अपने आंख कान खुले रखना, पूरी चौकन्नी रहना, क्योंकि सबके सामने मैं इशारे तो कर सकता हूँ पर कुछ बोल के बता नहीं सकता। हाँ। तो उन इशारों को सही तरह से कैसे समझना है और क्या करना है, ये निर्णय सिर्फ तुम्हारा होगा। तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ। बहन तुम ठीक हो ना? जी। अनिरुद्ध तू ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ काका, बिल्कुल ठीक। पर अब मैं ये पक्की तरह से जान गया हूँ कि इस लड़की के इरादे ठीक नहीं। ये जो नाटक तुमने किया ना, इस नाटक से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। ये अलमारी गिरना एक संयोग की बात थी, लेकिन देखना काका, इस लड़की को एक खरोंच तक नहीं आई है पर अब ये कहेगी कि चला नहीं जा रहा, तबीयत खराब हो गई है, यही कहोगी ना? काका ये सारे बहाने बना रही है परीक्षा से बचने के लिए। जब पता ही नहीं कि असली चाबी कौन सी है, जब पता ही नहीं कि तिजोरी किस चाबी से खुलेगी, तो बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। सारे चोर ऐसे ही करते हैं काका।
देखा बोंदता? देख लिया ना काका, तिजोरी खुली नहीं, पिछली बार तीर तुक्का लग गया, इस बार नहीं लग पाया, पर आप लोगों को विश्वास करना है कि पुनर्जन्म होता है। देखा अनिरुद्ध, देख लिया बहू, देखा। लोचंदा, अगर तिजोरी के ताले में तेल ना डालो तो चाबी अटकती है, जानो ना। सालों से रॉय चौधरियों का कुत्ता बनकर वफादारी की है मैंने, एक साये की तरह रहा हूँ त्रिलोचन रॉय चौधरी के साथ, तो क्या इतना भी नहीं जानूंगा कि तिजोरी की चाबी कौन सी है? इस हवेली में जो कोई नहीं जानता वो मैं जानता हूँ, इसीलिए तो शुभ्रा मालकिन की भी सभी बातें जानता था मैं। पर ये अहंकारी जमींदार कभी नहीं सोचेंगे कि उनका नौकर कर रहा है ये उनके साथ। हो गई परीक्षा पूरी। अरे अब तो समझो, माँ ही होती है जो अपने बच्चों का खतरा अपने सिर पे ले लेती है, सिर्फ माँ ही है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दे भी सकती है और दोबारा जन्म ले भी सकती है। देखो कैसे खोल दी तिजोरी। काका काका, अब तुम अगर मगर की डगर मत पकड़ो अनिरुद्ध, हाँ? क्योंकि हम कुछ नहीं सुनने वाले, हम फैसला ले चुके हैं और हमारा फैसला ये है कि शुभ्रा बहन का पुनर्जन्म जिस अधूरे काम को पूरा करने के लिए हुआ है, अब उस अधूरे काम को पूरा किया जाएगा और तब तक यही रहेंगी हमारी शुभ्रा बहन और पूरा करेंगी अपना व्रत। हम नहीं चाहते कि व्रत पूरा ना होने की वजह से तुम्हारी जान को कोई खतरा हो, और ये हमारा अंतिम फैसला है। इस घर से कलेश मिटाने के लिए लौटी है हमारी शुभ्रा बहन, और अब इस घर में जो भी अशुभ है, अशुद्धि है, उसे दूर कर कर ही जाएंगी शुभ्रा बहन। शुभ्रा बहन, गोपाल बेटा इतना गुस्सा ना हो। थोड़ा गुस्सेल है, तुम तो जानती हो बहन। पूरा तो करना है मुझे, पर व्रत नहीं कुछ और, इसलिए अब वो काम करना है मुझे जिसके लिए उन्होंने मुझे रॉय चौधरी के हवेली में भेजा है, और अब उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा इस लड़की की बातों पर, कुछ तो सोचना पड़ेगा जिससे इसका सच सबके सामने ला सकूं मैं। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.